स्वच्छ भारत मिशन के तहत परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के मनरेगा सभागार में संपन्न हुई। बैठक में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और सचिव मौजूद रहे। बैठक में शासन द्वारा 34 ग्राम पंचायतों के लिए पास किए गए परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत कार्य कराने के संबंध में चर्चा की गई, जिसके तहत गाँवों में कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में गाँव के विकास के संबंध में कार्य योजना तैयार की गई तथा उसे शुरू करने के लिए निर्देश भी दिए गए, जिससे गांव का समुचित विकास किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, सर वो एक्चुअली इस समय सोनबरसा में उनसे बात हुई है, वो हमको सर अभी तक हमने 11 एस्टिमेट उनको दिया है 4,33,00,000 तक का। हमारे पास जी सर सर हमने ऑलरेडी 11 फाइल जेई साहब को दे दिया है सर, ऑलरेडी उनके पास दे दिया सर। नहीं सर वहाँ पे हमने उनके साथ और उनसे रिटर्न में लीजिए जो वो दे रहे हैं। उदयपुर की एक भी फाइल पी एस पी नहीं आई है, महज में वाले साथ हैं उनका कहना है कि एक भी फाइल नहीं आई है और इसका कहना है अभी तक 11 फाइल आपको दी गई है, क्या स्टेटस है उन सारे फाइल नहीं शाम को हमें चाहिए यार, सीधा टारगेट नहीं आएगी तो मेरे सामने पेश करो, मैं DM साहब को लिखता हूँ और इनके ऊपर भी लिखते हैं नहीं तो ये तो ये तो आपको करना है डिफरेंस है, तो आप नया बनाइए एस्टिमेट, ये तो नहीं कह रहा कहा जा रहा है कि आप उसको गलत को ले लीजिए, आप सही बनाइए, आप जाइए आप फील्ड पे, बाकी यही है करके दिया है ना, वैसे आप फील्ड पे जाइए जो सही है वो इसमें बना। आज की जो बैठक थी वो परफॉर्मेंस ग्रांट को लेके हमारा जो सचिव हैं और जो JEE हैं RES डिपार्टमेंट के उनके कोऑर्डिनेशन को लेके ये की गई है, उसको रिव्यू किया गया और उनको डेली के टारगेट जो दिए गए हैं ताकि फील्ड में जाकर जल्दी से जल्दी अपना कार्य पूर्ण करके फिनेंशियल और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए TS को पुट अप करें।